और करीबन 54 के आसपास अफसर हैं इस गांव से, जिसमें आर्मी चीफ है, दो मेजर जनरल हैं, एक अभी प्रेजेंट है, सर्विंग का है मेजर जनरल सुनील सुहाग, और कर्नल तो पता ही नहीं कितने, ऑलमोस्ट 52 हैं टोटल अभी। और जो आज मर रहे बगैर युद्ध के, इतने कभी नहीं मरे फौज में, 32.5 साल नौकरी करी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा लोकसभा चुनाव की कवरेज को लेकर हमारी चुनावी चौपाल पहुंची है एक ऐसे गांव में जिसने इस देश को जवान ही नहीं जनरल रख दिए हैं। हम हैं पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग के गांव में। ऐसे समय में जब विपक्ष लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर यह आरोप लगा रही है कि वो पुलवामा के शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, चलिए हम जानते हैं कि इस गांव का इस बारे में क्या सोचना है, इस वार पलटवार पर और सेना के राजनीतिकरण पर लेकर क्या है उनकी राय, चलिए जानते हैं इस चौपाल में। मेन जो इसका जो एक मोरल एक होता है अपने फौजियों का, वो जो देश के लिए वो खाली लड़ाई कर लड़ते हैं, वो अपने देश की सेवा करते हैं, उनका जो मोरल है वो डाउन होता है। और ये जो राजनीति में लेकर ये जो कि उसमें देश के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, भाई वोटर के वोट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये अच्छी शोभा नहीं देती है प्रधानमंत्री को। वीक पास हुआ जाति का और सेना का, इसमें कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। इससे किसी गवर्नमेंट को कोई लाभ नहीं मिलेगा कि पुलवामा कर दिया, ये वो कर दिया, या अटैक पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, लेकिन पहले ये उजागर नहीं होते थे, आजकल टीवी में ज़्यादा दिखाते हैं, ग्राउंड पर कम होते हैं। क्या वोट में लोगों के वोट पे ये चीज़ें असर डालती हैं? नहीं डालती, बिल्कुल नहीं डालती, क्योंकि ये एक देखो देश जो सेना के जो हिसाब किताब है वो पूरे देश का है, कंट्री का है, वो नहीं कि अपने किसी एक राजनीति के संबंधित है। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी, कल हो सकता है कोई दूसरी थर्ड पार्टी आ जाए। ये फौज तो ये सिर्फ देश के लिए है ना, ये बाकी इनके लिए नहीं है भाई कि वो अभिनंदन को यूज करेंगे या और किसी को यूज करेंगे। बीजेपी के साथ थे, उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस की सरकार रहती थी तो सेना के हाथ बंधे हुए थे, बीजेपी ने वो हाथ खोल दिए, अब सेना अपने का मनोबल बढ़ाया इस सरकार ने, इस बात में क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई? एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये सब जुमले कांग्रेस के टाइम पर भी और पहले भी किसी का राज हुआ, गोरखा रेजिमेंट पाकिस्तान में जाके सिर काट के ले आए, लेकिन कभी उजागर नहीं होने दिया, सिर काट के बारीक से जाके। ये किस सरकार के समय हुआ? ये कांग्रेस के टाइम पर है। अच्छा, फिर आपने बांग्लादेश वाला देखा होगा, उन्होंने कभी किया जो ईब चल रहा है, अगर मेरी फौज ये कर रही, इंदिरा ने बोला कभी नहीं बोला, 90,000 कैद में डाले हुए थे, आज क्या कर रही है? ये सिर्फ उस जो 40 आदमी मर गए थे उनके फोटो लगा के पीछे उसे मोदी वोट मांग रहा है। काम क्या होने चाहिए? सड़क का होना चाहिए, किसानों का, किसानों के क्या है, नाम तो किसानों का लेते हैं, करते कुछ नहीं, 2,000 रुपये डाल दिए गो जेब में, हैं 6,000 में तो इनका धान भी एक किला के ना काटता कोई, इतना तो कई हज़ार तो इसका उसमें दवाई खर्चा लग जाए, हैं 4 कट्टे खाद मारे, DAP अलग मारे, दवाई अलग मारे। अच्छा चलो, ये भी रणनीति है, हैं तो इनका क्या करना चाहिए? जैसे किसानों के लिए दोगुना करेंगे, ये क्या बोलते 20 में करेंगे, अरे 5 साल कहाँ गए? वोटों का इस्तेमाल होना चाहिए विकास के ऊपर, मुद्दों के ऊपर, सड़क का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, गरीब का मुद्दा है, उनके ऊपर राजनीति होनी चाहिए, ये कर रहे हैं सिर्फ फौजियों के ऊपर। फौजी का नाम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और हम इससे बिल्कुल खुश नहीं है, फौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे गाँव में भी रोष है, इसके अंदर आर्मी चीफ का गाँव है, इसके अंदर भी रोष है, फौज के नाम से वोट नहीं मांगना चाहिए, विकास के नाम से वोट मांगना चाहिए। इनने जो वादे किए थे 15 लाख के किए थे, प्लान किया था, धकड़ किया, ये देंगे वो देंगे, वो कुछ नहीं दिया है आज तक। अगर बात करें बीजेपी नेताओं की, योगी आदित्यनाथ कभी कहते हैं कि ये मोदी की सेना है, लेकिन जब हम बात करें जनरल वीके सिंह की तो वो कहते हैं कि सेना किसी पार्टी की नहीं होती, वो देश की होती है, और ये चूंकि फौजियों का गांव है तो आप क्या कहेंगे ऐसी बयानबाजी जो राजनेताओं अफसरों के बीच में चलती है? मोदी ने उनके ऊपर क्या कहा था मालूम है आपको? कि जो पहला
बहुत नौजवान कुछ मरे हुए उनकी पर दे दो बहुत गलत बहुत गिनी है बहुत ही गलत है देश उसको माफ नहीं कर सकता है शायद दूसरा अभिनंदन की बात की आपने ये तो फौजदारी करती रहेगी चाहे फौज की तरफ से हो चाहे फौज की तरफ हो चाहे मेरी तरफ से हो काम हमारा मैं 32 साल में करती हूँ तो फौज की जितनी भी जो इन सिक्योरिटी को लूज किया है अभी आप जाके जाते फौज में जाके बना के पूरी सिक्योरिटी लूज करके बता बता दी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं हुई थी फौज में क्या है फौज में हमारे पास जब लेटर होता लेटर भी सेंशन होता था कोई गलत काम ना करने के लिए लेकिन आज फौज का ऐसा कर दिया फौज की कोई सिक्योरिटी छोड़ी नहीं मोदी राज ने फौज का बहुत बुरा हाल कर दिया ये गलत है जी हमारी राय मत अब जो सेना की जो बात कही जा रही है वो सेना जो ये बोल रहे हैं वही ये सेना मोदी की सेना है तो इसके लिए तो उन्हें ये सोचना चाहिए फौज के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए वो तो सारा देश की सेना है एक मोदी की सेना नहीं है वो देश की रक्षा कर रहे हैं तो ऐसी तो कोई बात है नहीं जी इससे कोई फायदा उठने वाली बात तो है नहीं बीजेपी हो या बीजेपी के विपक्ष हो जो सेना के बारे में जो उसका ऐसे बोल के ना जो फायदा ठाव है ना वो फायदा मिलने वाला नहीं है यानी जनता की तरफ से है नहीं बाकी ये नेता तो कुछ भी समझो ये ओआरओपी को लेकर भी काफ़ी बवाल रहा सरकार जो वन रैंक वन पेंशन को भी लेकर रहा तो इसके बारे में आपको क्या लगता है वन रैंक पेंशन तो होना चाहिए था होना भी चाहिए जी मैं एक अपनी तरफ से वोट ध्यान देता हूँ सीआरपी है जी ये सब है जी और ये पैरामिलिट्री जो फोर्स इनका कोई सीधा दर्जा है पेंशन है क्यों नहीं भाई रीजन रोज मरते कोई किसी बाप के माँ के बहन के भाई होंगे बेटे के होंगे उनसे ये बात पूछिए वो क्या बोलेंगे ये अपने लिए बोलते हमने ये कर दिया क्या कर दिया रोज मर रहे हैं पहले मरे थे कारगिल में गांव में हर एक जगह फोटो लगे हुए हैं और जो आज मर रहे हैं बगैर युद्ध के इतने कभी नहीं मरे फौज में 32.5 साल नौकरी करी लेकिन ऐसा नहीं हुआ सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं रही फौज की बिल्कुल ही ना आपने सब कुछ कब्जे में ले लिया अरे क्यों झूठे वो कर रहे भाई देश को ठीक चलने दो सच्चाई पर चलने दो जो आधार है सड़क भी देश में क्या हुआ गरीबों का हुआ वो चीज़ होनी चाहिए या राष्ट्रवाद पर चलेगी राष्ट्र के लिए हम भी हैं हर आदमी राष्ट्र के लिए सोचता है लेकिन ये तो एक वोट बटोरने वाली कहानी बाकी कुछ नहीं है सिर्फ जुमली का कुछ नहीं मैं भर्ती हुए अफगान सुन और बेटे एक और बात बताता हूँ मीते आदमी सुन रही उस टाइम पर फौज में नाज नहीं था एक हमासा में एक टाइम की रोटी नहीं मिलती थी हमें एक टाइम का आसाम में थे जरूरी देखते थे हमको क्या था उस टाइम पर एक डंडा था फौज में सब बात करते थे चलाते थे क्या था ये देश बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा है सभी राजनीति पार्टी ने काम किया है ये नहीं है अभी 5 साल में इसने देश बढ़ाया मोदी सरकार है मुद्दों से भटकाने के लिए सेना का प्रयोग कर रही है दूसरी बात मोदी सरकार ने देश के अंदर जात पात का जहर घोल दिया है और जहां जैसे मुस्लिम है वो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वहाँ भी समाज को बंटवारा किया है क्या ये मुस्लिम भाई इस देश के नागरिक नहीं आए कहीं और किधर जाएंगे यहाँ इस समाज में हमारे यहाँ हरियाणा में बताता हूँ मैं यहाँ एक नारा लगा दिया 36 यहाँ कुछ 36 नहीं है यहाँ सभी अभी हम सभी बैठते हैं किसी जाति का वो सब बराबर हैं 36 थोड़ा हमारे ऑडियंस को समझाएंगे जो नहीं ये 36 का एक मैं बताऊँगा आपने यह क्या कर दिया जात पात फैला दी कुछ बैकवर्ड को कुछ हरिजन को कुछ जैसे जाट हैं ब्राह्मण हैं और जाति जाति प्रथा को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण के लिए मैं स्पष्ट कहता हूँ एक जाट जाति ऐसी है उसको एक काउंट कर दिया और सबको 36 में काउंट कर दिया ये बीमारी है ये समाज के लिए घातक चीज़ है यहाँ सब किसी का एक दूसरे बिना यहाँ दैत के अंदर काम चल नहीं सकता सब आदमी आपस में मिल के अपने काम चलाते हैं सबका जब भाईचारे के अनुसार काम होता है यही सरकार ने एक इस समाज के अंदर एक बहुत ही बड़ी चाल चली है साफ है कि सेना के पूर्व अध्यक्ष जो थे जनरल दलबीर सिंह सुहाग उनका गांव है ये लेकिन यहाँ भी लोग पीएम मोदी की सरकार से खुश नहीं नजर आ रहे हैं उनका साफ साफ कहना है कि सेना का नाम राजनीति में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ये फौजियों का गांव होने के नाते भी सरकार से इस बात से खफा है कि ये राजनीतिकरण जो और वोटों की राजनीति सेना के नाम पर होती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हरियाणा से कौशिकी कश्यप द क्विंट के लिए